बॉलीवुड स्टार अक्सर किसी न किसी बात को लेकर ट्रोल होते ही रहते हैं। शाहिद कपूर भी इन दिनों ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। शाहिद की हरकतों से एक यूजर इतना गुस्सा हो गया कि उन्होंने शाहिद को जया बच्चन कह दिया और कमेंट में लिखा, मेल जया बच्चन हमेशा इरिटेट रहता है। एक ने उन्हें घमंडी नंबर वन का टैग दे दिया, लेकिन शाहिद को इतनी बातें सुनाई क्यों जा रही हैं, चलिए आपको बताते हैं। शाहिद कल शाम बीवी मीरा के साथ डिनर डेट पर निकले थे, जहां पैप्स ने उन्हें घेर लिया और वीडियो फुटेज क्लिक करने लगे। शाहिद का मूड शायद ठीक नहीं था और ऐसे भी लग रहा था कि जैसे उनसे चला नहीं जा रहा है। और इसी बीच उन्होंने पैप्स को कह दिया कि गाइस कैन यू स्टॉप इट, कैन यू बिहेव योरसेल्फ। बस इसी बात को लेकर वह निशाने पर आ गए। शाहिद को लोगों ने तरह तरह की बातें सुनानी शुरू कर दी, चलिए आपको यूजर्स के कमेंट ही पढ़ाते हैं। एक ने कहा ओवर एक्टिंग, एक ने कहा अगर आपको स्टॉप इट ही कहना है तो पीआर टीम को कहकर मीडिया बुलाते ही क्यों हूं। एक ने कहा इसमें किस बात का एटीट्यूड। एक ने कहा ये हमेशा ही पेपराजी पर चिल्लाता है। एक यूजर ने लिखा तो बुलाया क्यों पापा को, इडियट। एक ने कहा पैसे देकर पैप्स को बुलाते क्यों हूं। एक ने कहा ये ऐसे करता है जैसे बॉलीवुड का किंग हो। एक ने कहा बैक टू बैक फ्लॉप मूवी देने के बाद। एक ने कहा अरे भाई क्यों अपनी बेइज्जती करवाते हो, ये पागल बोल रहा है तो मत लो इसकी पिक्स, दफा करो इनको, ये बदतमीज लोग हैं। एक ने कहा मूड अच्छा नहीं रहता हर समय, इन्हें स्पेस दो। वहीं कुछ ने तो कहा कि शाहिद कपूर की पर्सनल लाइफ है, स्पेस देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि शाहिद ने एटीट्यूड दिखाया या कई बार पैप्स कुछ ओवर कर देते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।